हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम WWE के अगले पेपरव्यू यानी कि हेल इन अ सेल के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि इस पेपरव्यू में हमें कौन कौन से मैचेस देखने मिल सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साशा बैंक्स और बेली का फ्यूड शुरू हुआ था जब बेली वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप नाया जैक्स और शाइना बेजलर से वापस नहीं जीत पाई और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उनकी बेस्ट फ्रेंड साशा बैंक्स पर अटैक कर दिया और बाद में उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ साशा बैंक्स को यूज कर रही थी ताकि वो उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बचाए रख सकें। और उन्होंने एक बार फिर से इंजर्ड साशा बैंक्स पर अटैक किया था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब वो इंटरव्यू दे रही थी। लेकिन दोस्तों, साशा ने बेली पर क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में रिटर्न आकर ना सिर्फ अटैक किया बल्कि अब वो फेस सुपरस्टार भी बन गई हैं। और ringsidenews.com ने ये बताया है कि साशा बैंक्स और बेली का मैच होगा हेल इन अ सेल के अंदर स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, रैंडी ऑर्टन के क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के मैच में एक नहीं बल्कि चार लेजेंड्स ने आकर इंटरफेयर किया था और ये वही सुपरस्टार थे जिन्हें रैंडी ऑर्टन ने इससे पहले पंट किक मारकर इंजर्ड कर दिया था और इसलिए ऑर्टन क्लैश ऑफ चैंपियंस में हार गए। लेकिन उन्होंने रॉ में ड्रू मैकइंटायर से कहा कि उन्हें फिर से WWE चैंपियनशिप का मैच मिलेगा और ऑर्टन ने रिक फ्लेयर, क्रिश्चियन, बिग शो और शॉन माइकल्स पर बैकस्टेज में भेष बदलकर अटैक भी कर दिया। इसलिए अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में यह अनाउंस हो जाएगा कि हेल इन अ सेल पेपरव्यू में रैंडी ऑर्टन फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के मैच में हेल इन अ सेल 2020 में। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इस बार रैंडी ऑर्टन जीतकर WWE चैंपियन बनेंगे या एक बार फिर से वो क्लेमोर किक के शिकार हो जाएंगे? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, रॉ के टैग टीम चैंपियंस द स्ट्रीट प्रॉफिट को द वाइकिंग रेडर्स फिर से चैलेंज कर सकते हैं टाइटल मैच के लिए और स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस शिंस्के नाकामुरा और सिजारो का मैच हो सकता है द हेवी मशीनरी यानी कि टकर और ओटिस के साथ। और दोस्तों, क्योंकि डोमिनिक मिस्टेरियो बडी मर्फी से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि बडी और उनकी बहन अलाया के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए मर्फी और डोमिनिक मिस्टेरियो का सिंगल्स मैच हमें फिर से देखने मिल सकता है हेल इन अ सेल 2020 में। दोस्तों, क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में रोमन रेक्स ने उनके कजन जे उसो को हरा दिया था और इसलिए अब अगले महीने रोमन को कौन फेस करेगा ये हमें आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पता लगेगा। लेकिन जो तीन सुपरस्टार्स का रोमन रेक्स से मैच हो सकता है हेल इन अ सेल के अंदर वो हैं जे उसो, क्योंकि जिमी उसो ने मैच फॉरफिट कर दिया था, इसलिए जे फिर से चैलेंज कर सकते हैं रोमन को। दूसरे सुपरस्टार हैं जिमी उसो, क्योंकि उन्होंने उनके जुड़वा भाई को इतनी बुरी तरह मार खाते हुए देखा है, इसलिए वो भी चैलेंज कर सकते हैं रोमन को। और तीसरे सुपरस्टार हैं द फिंड ब्रे वाइट, क्योंकि रोमन रेक्स ने उन्हीं से चैंपियनशिप जीती थी पेबैक 2020 में। वैसे दोस्तों, आपको हेल इन अ सेल के अंदर रोमन रेक्स का मैच किसके साथ देखना है कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जॉन सीना जिमी फाल्कन के टुनाइट शो में इस हफ्ते आने वाले हैं और जॉन सीना जब भी किसी शो में आते हैं तो हमें उनसे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जॉन सीना कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं द टुनाइट शो जिमी फाल्कन के शो पर। और हेल इन अ सेल 2020 इंडिया में सोमवार 26 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 बताएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।